वैसे आपने तो बिहार के काफी सारे किस्से सुने होंगे, लेकिन उनमें से बिहार का एक बक्सर जिला भी है जो कि प्रसिद्ध बक्सर की लड़ाई और चौसा की लड़ाई के लिए जाना जाता है। बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनवरों और मुगल नवाबों के बीच लड़ी गई थी। अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए बंगाल के मीर कासिम, अवध के नवाब मुगल बादशाह शाह आलम ने द्वितीय संयुक्त अभियान चलाया था, लेकिन इस लड़ाई में ब्रिटिश सेना का पलड़ा भारी रहा और नवाबों को हार का मुंह देखना पड़ा था। लड़ाई के बाद कई बड़े इलाकों पर अंग्रेजी वर्चस्व स्थापित हो गया था। आज भी यह स्थान उसी लड़ाई की याद दिलाते हैं। बक्सर में ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर पग पग पर मौजूद है। बक्सर में कुछ चुनिंदा स्थान है जो कि आपको बक्सर की लड़ाई की याद दिलाता है, जैसे कि बक्सर का किला जिसका निर्माण बिहार के राजा भोज देव ने करवाया था। किले के बहुत सारे भाग क्षतिग्रस्त हो गए हैं, लेकिन किले के बहुत से भाग आज भी देखने लायक हैं। बिहार के इतिहास को समझने के लिए यहाँ पर आप सैर का प्लान बना सकते हैं। अगर बक्सर की लड़ाई की कोई और चीज़ याद दिलाती है तो वो है बक्सर का सीताराम उपाध्याय म्यूजियम, जिससे कि आप बिहार के इतिहास और बक्सर की लड़ाई को पूरी तरह से समझ सकते हैं। सीताराम उपाध्याय म्यूजियम काफ़ी पुराना संग्रहालय है जिसका निर्माण सन 1979 में किया गया था। इस संग्रहालय में ऐतिहासिक साक्ष्यों को सुरक्षित रखा गया है। कटौली का मैदान बक्सर के सबसे खास स्थानों में से गिना जाता है। ऐतिहासिक शहर बक्सर के भ्रमण के लिए निकला सैलानी यहाँ जरूर आता है। जिस बक्सर की लड़ाई के लिए यह शहर जाना जाता है वो इसी मैदान पर लड़ी गई थी। बता दें कि बक्सर की लड़ाई सन 1764 में अंग्रेजों और बंगाल के अवध नवाबों के बीच लड़ी गई थी, जिसमें कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने नवाबों का साथ दिया था, लेकिन इस लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई थी। यह जीत के प्रतीक के रूप में ब्रिटिश द्वार और एक स्मारक भी बनाई गई है जो कि अंग्रेजों की जीत की याद दिलाती है। तो ये थी बक्सर की कुछ रोचक जानकारियाँ। ऐसे ही रोचक जानकारियों को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये तो फनी न्यूज नेटवर्क। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।